चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड और दूरी, इसमें जो है कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि ओनियन कोड। ओनियन कोड जब कभी भी हम लोग किसी ग्राउंड से ऊंची स्थान की चीज को देखते हैं, तो हमारा जो है कि होरिजेंटल क्षैतिज के साथ जितना एंगल बनता है, जितना हमें जो गर्दन को उठाना पड़ता है, इसमें जो होरिजेंटल के साथ एंगल बनेगा, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओनियन कोण बोलते हैं। वही दूसरा है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें जब हम पहले से ऊंचाई पर हों और जो है कि हमें ग्राउंड पर स्थित किसी ऑब्जेक्ट का जो है कि हमें देखना है, तो इसमें हमारा होरिजेंटल है और इसके बीच में हमारे जो है कि जो निगाह है, इनके बीच में जो एंगल बन रही है, इन्हें हम लोग एंगल ऑफ डिफ्रेशन अवनमन कोण कहेंगे। तो इसमें आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक उदग्र मीनार के साए की लंबाई उसकी लंबाई का 1/3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण हमें निकालना है, तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो है कि कोई सन है। सन का जो है कि ये हमारा मीनार है, मीनार का जो है कि यहाँ पे जो छाया बन रही है, परछाई बन रही है, ये जो है कि क्वेश्चन में बोला है कि इसकी लंबाई, यानी कि इसकी परछाई की लंबाई जो है कि इसकी ऊंचाई, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई इसकी h है। मीनार की ऊंचाई यदि h है, तो इसका जो है कि बोला है जो लंबाई h का जो है कि 1/√3 गुना है, तो हमें जो है कि थीटा निकालना है यहाँ, यानी कि ओनियन कोण इस एंगल से यहाँ पर जो बन रहा है, थीटा निकालना है। तो हमें जो है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हमें जो है कि टेन थीटा लगाना पड़ेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अपना एच है, हाइट है, और जो है कि बेस है h/√3। टेन थीटा एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, √3। तो टेन थीटा, टेन 60 डिग्री की वैल्यू जो है कि √3 होती है, अतः थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण जो है कि 60 डिग्री होगा, यानी कि सूर्य को हमें देखने के लिए जो है कि अपनी गर्दन को 60 डिग्री पर उठाना पड़ेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया है एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग से जमीन की कितनी ऊंचाई पर, पतंग जो है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। यानी कि हमारा जो है कि एक धागा है, हम जो है कि यहां से मान लेते कोई पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें जो है कि धागे की लंबाई 120 मीटर दे रखी है, धागे की लंबाई 120 मीटर दे रखी है, और जो जमीन के साथ, यानी कि हमारी ये जमीन है, जमीन के साथ जो है कि 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, और इसमें जो है कि कोण बनाती है, तो पतंग से जमीन कितनी दूरी ऊंचाई पर है। और हमें जो है कि यहाँ जो पतंग है, मान लेते हैं हमारा काइट है, काइट यहाँ पर है, तो हमें जो है कि इसकी और यहाँ के बीच की जो है कि ऊंचाई निकालनी, यानी कि एच हमें निकालना है। तो हमें जो है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाना है, तो हम लोग लगाएंगे sin θ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है 120, अब साइन 30 डिग्री, h/120 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, h/120, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 20 इधर चला जाएगा, 120 2 कट जाएगा 60। यानी कि हमारा जो है कि ग्राउंड से, जमीन से पतंग की ऊंचाई जो है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर है।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे जिसमें दिया है क्वेश्चन, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी क्या होगी। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे दिया है कि एक दीवार है जो कि 10 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी जो है कि यहाँ पे टिका हुआ है, ये हमारी सीढ़ी है, ये वाला पोर्शन जो है कि सीढ़ी है जो कि हमारी दीवार से 10 मीटर की ऊंचाई पर जो है, तो हमें जो है कि यहाँ पे 10 मीटर ऊंचाई दे रखी है दीवार पर, और बताए उन्नयन कोण, ये सीढ़ी जो है कि इसके साथ हमारी जमीन यहाँ के साथ जो है कि 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो बोला इस सीढ़ी का जो अंतिम पाद बिंदु है और जो है कि हमारी दीवार के बीच की दूरी कितनी होगी, कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। यानी कि मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी एक्स मीटर है, तो जैसा कि हमें निकालना है बेस निकालना है और हमें जो है कि परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हमें पता है हम जो है कि 10 थीटा लगाएंगे, 10 30 डिग्री बराबर हो जाएंगे परपेंडिकुलर 10/x, और जैसा कि पता है 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 10/x है, तो फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। यानी कि सीढ़ी के पाद और दीवार के बीच की दूरी जो है कि 10√3 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं जिसमें दिया है, एक से 7 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 7√3 मीटर बन रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो यानी कि एक 7 मीटर खंभा है जिसमें इनका जो है कि जो परछाई बन रही है, परछाई जो है कि 7√3 बन रही है, तो हमें जो है कि यहाँ पे उन्नयन कोण जो बन रहा है सूर्य का ग्राउंड पे जो उन्नयन कोण बन रहा है उसे जो है कि हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें जो है कि परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो हम लोग 10 थीटा लगाएंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू जो है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7√3, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रह गया 1/√3, और 10 30 डिग्री की वैल्यू जो है कि 1/√3 होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि जो उन्नयन कोण है उन्नयन कोण जो है कि 30 डिग्री होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है एक मीनार की ऊंचाई 100√3 100√3 मीटर है, इस मीनार की पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण। यानी कि एक हमारा मीनार है जो कि 100√3 मीटर की ऊंचाई की है और इसका टॉप ए है, और बोला इस मीनार की पाद से, यानी कि इस मीनार का जो ये निचला वाला पोर्शन है पाद से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक पॉइंट है से इसकी चोटी का, यानी कि इस पॉइंट से मीनार की टॉप पॉइंट का जो उन्नयन कोण होगा, यहाँ से इस पॉइंट को देखने पर जो हमें एंगल बन रहे हैं हमें वो एंगल निकालना है। तो अब हमें जो है कि परपेंडिकुलर और जो है कि बेस दे रखा है, तो हम लोग 10 थीटा लगाएंगे, 10 थीटा बराबर हो जाएंगे परपेंडिकुलर 100√3/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट से हमारा जो है कि मीनार का टॉप पॉइंट जो होगा वो जो है कि सिक्स उनका उन्नयन कोण जो है कि 60 डिग्री होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी टावर के पाद से 50 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 है तो टावर की ऊंचाई, यानी कि किसी टावर, ये टावर है मान लेते हैं हमारा जो है कि टावर है, टावर के पाद से यानी कि यहां से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट कोई है,
यहाँ से जब हम जो है कि इस टावर के जो है कि टॉप पॉइंट को देख रहे हैं, इस टॉप पॉइंट को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें जो है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें एच निकालना है। तो इसमें जो है कि परपेंडिकुलर और बेस है, तो 10 30 डिग्री, 10 लगाएंगे एच अपॉन 50। और जैसा कि पता है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हमें एच निकालना है, एच निकालना है 50। तो एच एच निकालने के लिए 50/√3 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये हमारे जो एंगल होते हैं ये जो है कि हाइट जो है कि 50/√3 हो जाएगी।